नरसिंहपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा वार्षिक पथ संचलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के स्वयंसेवक पथ संचलन का हिस्सा बनकर शहर का भ्रमण किया और शिवाजी मैदान में एकत्रित हुए, जहां पर नरसिंह गर्जुना के नाम पर बौद्धिक वक्तव्य दिए गए। INS से बात करते हुए राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी और लोकसभा सांसद राव उदय प्रताप ने कहा कि अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण ही संगठन और संघ का मूल उद्देश्य है और उसी का निर्वहन करने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे कार्यक्रम को आयोजित करता है। और राष्ट्रीय एकता के भाव को लेकर नरसिंहपुर जिले में पथ संचलन का आयोजन किया गया, वही सब किस तरह का आयोजन है ये? मुझे लगता है एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नरसिंहपुर द्वारा जन जागृति और एक समरसता का वातावरण रहे, सौहार्द का वातावरण रहे, इस हेतु प्रत्येक वर्ष इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। और आज जो विहंगम दृश्य यहाँ हम देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सामर्थ्य, राष्ट्रवाद के प्रति उसका समर्पण और एक समरसता की स्थापना के लिए किया गया एक बड़ा सामूहिक प्रयास है। और मैं तो समझता हूँ हमारे लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन नहीं, ये भारतवासियों के लिए एक गौरव का विषय भी है। संगठन की शक्ति बढ़ती रहे, इसको मजबूती मिलती रहे, इसके लिए पथ संचलन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? सदैव से इस हिंदुस्तान में हमारी भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने के लिए और इस विचार को न केवल हिंदुस्तान, सारी दुनिया में स्थापित करने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना निर्माण का कार्य, अच्छे व्यक्तियों का निर्माण, ये संघ का उद्देश्य है। और सकल हिंदू समाज को संगठित करना, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लक्ष्य है। और वर्ष में अपनी परंपरा अनुसार संगठन को समाज के सामने भी प्रस्तुत करने के लिए, बल देने के लिए, इससे संगठन को मजबूती मिलती है, सकल समाज का और योगदान बढ़ता है। इसके लिए ये पथ संचलन का हमारे यहाँ बहुत प्रारंभ से, संघ के अपने जन्म काल से ये परंपरा है, उसी परंपरा के अंतर्गत आज हमारे नरसिंहपुर में ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये पथ संचलन का कार्यक्रम निर्धारित। निश्चित तौर पर जो हजारों की संख्या देख रहे हैं, इसको संघ का उद्देश्य है कि संगठन को शक्ति मिले, सकल समाज का विकास हो, इसी उद्देश्य से ये संचलन किया जा रहा है।